Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप जनाब? मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान viewers. पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, आज पहला T20 मैच पाकिस्तान ने जीत लिया अगरचे, लेकिन बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस थी उसने सबको परेशान कर दिया. ख़ासतौर पर पाकिस्तान की इतनी तगड़ी बड़ी साइड थी जिसने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, न्यूजीलैंड को, इंडिया को, और उसके बाद फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा. सेमीफाइनल में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की टीम की, लेकिन आज बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के खिलाड़ी, आखिर ये वजह क्या थी कि आखिरी ओवर में जाकर ये मैच एक छोटा टोटल भी मुश्किल से चेज कर पाए. मेरे ख्याल में आज जो बांग्लादेश की टीम ने जो बॉलिंग की है और उसके साथ साथ उनके लड़कों ने जान मारी है फील्डिंग में, वही वजह है कि आज पाकिस्तान को एक छोटा टोटल भी ऐसे लग रहा था जैसे 180-190 है. बहुत मुश्किल से चेज़ किया पाकिस्तान की टीम ने. आज का जो टोटल है, ये जो कल का मैच है उसके लिए भी अलार्मिंग है, और पाकिस्तान को एक अलर्ट दिया गया है कि कल का मैच भी एक कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश. और दूसरी तरफ व्यूअर्स, पाकिस्तान की टीम आज जैसे ही होटल से स्टेडियम तक आई, इसके भी अब बड़े चर्चे हो रहे हैं और पाकिस्तान में इसको सराहा जा रहा है. बहुत खुशी हो रही है कि बांग्लादेशी भाइयों ने पाकिस्तानी टीम का बहुत ही शानदार वालहाना वार्म वेलकम इस्तकबाल किया है पाकिस्तानी टीम का. जैसे ही होटल से स्टेडियम तक पाकिस्तान की टीम जा रही थी अपनी गाड़ी में, तो बाज़ारों में, गलियों में, सड़कों पर खड़े हुए फैंस, क्रिकेट के जो हकीकी लवर हैं, बांग्लादेशी लोगों ने साबित कर दिया और उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी जो नेशन है वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा कर रही है, करती रहेगी, और इसी तरह हम क्रिकेट के साथ लव करते हैं. जिस तरह का बांग्लादेशी लोगों का स्पेशली जो एक्साइटेड होते हैं वो स्टेडियम में जाकर, वो भी काबिले दीद है और लोग उनको बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं, पसंद करते हैं. क्योंकि ICC का कहना है कि हम चाहते थे कि सुपर 12 में बांग्लादेश ज़रूर क्वालिफाई करे. जब बांग्लादेश एक स्टेज पर पहुंच चुका था, ओमान से जीता था मैच और फिर उससे पहले स्कॉटलैंड से हारा था, लेकिन सुपर 12 में जाने के लिए कुछ मुश्किलात पेश आ रही थी, लेकिन क्रिकेट के जो पंडित थे, माहिरीन, एक्सपर्ट भी यही चाहते थे कि बांग्लादेश क्वालिफाई करे. उसका ये होगा कि एशिया की एक ऐसी टीम है जिसके UAE के अंदर, ओमान में जहाँ वर्ल्ड कप हो रहा था, स्पेक्टेटर्स, तमाशाई बहुत ज़्यादा हैं और वो स्टेडियम में भी आते हैं, अपनी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. फिर जिस तरह उनका एक अंदाज़ है, नागन नागन का डांस है, और फिर वो टीम को सपोर्ट भी करते हैं, नारेबाजी करते हैं, फ्लैग्स उठाए होते हैं, उनका जो अंदाज़ है वो पूरी दुनिया को अपना दीवाना किया हुआ है. अब वही वजह है कि पाकिस्तान की टीम का भी आज जिस तरह से इस्तकबाल किया, उसकी धूम अब इंडिया में, उसकी आग बल रही है. इंडिया को ये बिल्कुल भी नहीं बह रहा कि पाकिस्तानी टीम का इस कदर अच्छा इस्तकबाल क्यों किया गया है. इससे पहले उन्होंने बहुत ही नेगेटिव, मैं कहता हूँ मनफी रिपोर्टिंग की है इंडिया की जो मीडिया ने और इंडिया के जो न्यूज़पेपर ने, उसके ऊपर लेकर के हत्ता के एक जो बांग्लादेशी वजीर हैं उसका शिकार भी हो चुके थे, उनके निर्गे में आ चुके थे, जिनका नाम डॉक्टर मुराद हसन है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के. उन्होंने आखिर यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान की टीम फ्लैग के साथ वापस पाकिस्तान जा सकती. पाकिस्तानी टीम ने हमारे शायकीन क्रिकेट्स के और हमारे फैंस के बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, इसलिए अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो वापस पाकिस्तान चला जाए. पाकिस्तान की टीम को उन्होंने मुखातब किया था. उसके बाद एक कंट्रावर्सी का एक ये खबर जंगल में आग की तरह फैली पाकिस्तान में, और बहुत ही ज़्यादा लोगों को इसके ऊपर दुख भी हुआ. लेकिन आज जो जिस तरह से जवाब दिया गया, रिप्लाई आया, वो बहुत ही खुशाइंद है. इसका मतलब ये हुआ हुकूमत और आवाम एक पेज पर बिल्कुल भी नहीं है. हुकूमत के, गवर्नमेंट जो बांग्लादेश के कुछ एक दो वजीर हैं, उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी तो हो सकती है, लेकिन जो आवाम का बयानिया है उसके साथ मैच नहीं कर सकता और उनके साथ मिल नहीं सकता. क्योंकि आज बांग्लादेशी कौम ने, आज बांग्लादेशी लवर्स ने साबित कर दिया, आज उन्होंने इंडिया को बता दिया, आज उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हम क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं, हम पाकिस्तान के साथ
साथ लव करते हैं और हमारा कोई भी इस तरह का रिलेशन हम खराब डायरेक्शन में नहीं लेकर जाना चाहते जिससे हमारी दोनों कौमों और दोनों हुकूमत और दोनों गवर्नमेंट के दरमियान एक क्लैश पैदा हो। आज साबित कर दिया जिस तरह से वालेहाना पाकिस्तानी टीम का बांग्लादेशी कौम ने इस्तकबाल किया उसके लिए अब पाकिस्तान से भी मैसेजेस आ रहे हैं, पाकिस्तान के जो मीडिया है वो भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है और इस खबर को फैलाया जा रहा है, उस वीडियो क्लिप को फैलाया जा रहा है जब पाकिस्तान की टीम होटल से स्टेडियम की तरफ जाती है तो लोग बहुत ही वालेहाना इस्तकबाल करते हैं। तो दूसरी बात इस रिपोर्ट में हम अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की कारकर्दगी के बारे में। अब बांग्लादेश को कल के मैच में अगर बांग्लादेश कुछ बैटिंग में रन्स ज़्यादा जोड़ लेता है, उनका जो मिडिल ऑर्डर है ओपनर बैट्समैन है जैसा कि नईम शेख हैं और शंतो उनके साथ एक दो प्लेयर और भी जो नए लड़के उन्होंने डाले हैं बांग्लादेश ने, उनको चाहिए कोई रन्स बनाएं टीम के लिए। आज नूर हसन सुहान ने आकर छक्के मारे हैं, मेहंदी हसन ने रन्स जोड़े हैं, आफीफ हुसैन अच्छा खेल गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज ऊपर के जो बल्लेबाज हैं कल के मैच में उनको चाहिए कि वो परफॉर्म करें ज़्यादा नहीं। पिच जो है ढाका की वो स्पिन के लिए साजगार है, रन्स वहाँ पर ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन कम अज़ कम भी जो बांग्लादेश की टीम को रन्स बनाने होंगे 150 प्लस। अगर 150 से ज़्यादा बांग्लादेश की टीम रन जोड़ लेती है तो फिर बॉलिंग अगर करने आए तो पाकिस्तान को मुश्किलात पेश आ सकती है। आज वही हुआ कि 127 का टारगेट भी पाकिस्तान को 190 लग रहा था, 180 का टारगेट ऐसा लग रहा था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आज फ़ख्र जमान और खुशदिल शाह की तरफ से एक ज़िम्मेदाराना पार्टनरशिप जोड़ी गई, उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग दोनों बैट्समैनों ने की जिसकी वजह से पाकिस्तान आज का मैच जीत गया। लेकिन एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच आसानी के साथ हार जाएगा क्योंकि यके बाद दिगरे जब पाकिस्तान की चार विकटें गिरी तो फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान के पास जो बैटिंग है वो आठवें नंबर तक है, पाकिस्तान के आठवें नंबर का भी बैट्समैन आकर छक्के चौके मारने की सलाहियत रखता है। मोहम्मद नवाज़ भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, जिस तरह से आज उन्होंने शानदार छक्के चौके मारे आखिर में आकर पाकिस्तान को जब ज़रूरत थी उन्होंने हार्ड हिटिंग की। शादाब खान जो वाइस कैप्टन हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम में ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए फिर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप हो चाहे बायलैटरल सीरीज़ हो वहाँ में परफॉर्म करती आई है और कर भी रही है। T20 की पाकिस्तान की टीम दुनिया क्रिकेट की बेहतरीन टीम मानी जाती है और इसी वजह से पाकिस्तान के पास जो स्पिन का जो डिपार्टमेंट है वो भी काबिले सताइश है, जिसका नाम शादाब खान और इमाद वसीम को रख दिया, मोहम्मद नवाज़ उससे भी अच्छे बॉलर आज साबित हुए। और बात करते हैं यासिर शाह की, वो भी अब्दुल कादिर के बेटे, वो भी पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का हिस्सा हैं। इस तरह मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो टीम है, जो टीम कम्बिनेशन है वो बहुत ही मजबूत है T20 फॉर्मेट में। अब कल का मैच है और पाकिस्तान बदे मुकाबल होने जा रहा है बांग्लादेश से और कल के मैच के बारे में बहुत ही बड़ी प्रेडिक्शन आ रही है, यही आ रही है कि बड़ा मुकाबला होगा कल भी, कुछ भी कहा जा सकता है। 50-50 को बताया जा रहा है कि बांग्लादेश अपने होम क्राउड और होम ग्राउंड का एडवांटेज हमेशा से लेती आई है, जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराया है। देखते रहिएगा एहसान रिएक्शन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।